वालेकुम अस्सलाम। इतनी सारी चीजें लेते हुए आए हो? क्या हुआ? कैसे ठंड है? कहाँ से आ रही हो? लंदन से? ठंड का नहीं पूछूं? क्यों? बहुत खतरनाक ठंड है। अच्छा, वो नानो के मुंह से फोग निकल रही थी। और तहरीम, ये तहरीम में इतना कुछ पहना हुआ है, इतनी ठंड हो रही है। अच्छा मैं गाइस आपको एक बात बताऊं, फोग निकलते हैं ऐसा लगता है बंद बदले। ये तो ये तो अच्छा मौसम है ना, मजे का है। फॉग वाला मौसम तो मजे का होता है, एंजॉय करने वाला मजे का तो होता है, पर एक बहुत ठंड लगती है, उठने का मन ही नहीं करता। मन मन क्या होता है? ऐसे बस लेटे रहो। अच्छा, आपका मन कर रहा है कहीं जाने का? मन कर रहा है ननकाना की मिठाई है, मन पसंद। अच्छा, मन पसंद मिठाई खाने कल गए ननकाना, लेकिन ट्यूशन से और बहुत ज्यादा ठंड लग रही है बच्चों को। आज मुझे 12th के टेबल में ना स्टार मिला, मुझे आता है, मैं सुनाओ। अभी मैं सुनती हूँ, सब्र कर। इतनी इतनी ज्यादा ठंड हो रही है जी, इतनी ज्यादा ठंड है, इतनी ज्यादा, बहुत ज्यादा फॉग वाला मौसम है। और बच्चों की अभी छुट्टियाँ हैं, हो सकता, चुप कर जाओ, हो सकता है कि छुट्टियां जो है वो एक्सटेंड हो जाएं, आगे हो जाएं, लेकिन पेपर्स हैं, ग्रैंड टेस्ट हैं, अभी कुछ भी नहीं पता। या तो नोटिफिकेशन तो आ चुका है गवर्नमेंट की वजह, गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुका है, अब पता नहीं कि छुट्टियां होती हैं। आयान ने खूब शोर किया ना दुनिया को, वो गवर्नमेंट, उनकी बात करिए। गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट क्या है फातिमा? आप सुने आज तहरीम के जमाने गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो है वो एक स्कूल है, वो एक स्कूल है। देखें गवर्नमेंट एक स्कूल है, आप सबको भी पता होना चाहिए, और आज मुझे भी पता चला है। और मैं अम्मी को भी बताऊं, अम्मी यहाँ बैठी हैं, कि अम्मी आपको पता है गवर्नमेंट एक स्कूल है? वो सही कह रही, गवर्नमेंट। हाँ, गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो है वो एक स्कूल है। ठंड ने इतना असर किया, मुझे भी मौका मिलेगा ना मजाक उड़ाने का, फिर मैं इतना उड़ाऊंगी, इतना उड़ाऊंगी। सर्दी ने इतना असर किया है तहरीम के दिमाग पर कि उसको लगा, हम मैंने कहा कि गवर्नमेंट जो है वो और भी छुट्टियां दे सकती है, तो तहरीम ने कहा जी हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो एक स्कूल है। मुझे नहीं पता था, मैं मजाक में कह रही थी, पता नहीं कब हमारी छुट्टियां हो जाए, हमारे टीचर को भी नहीं पता, हमारे टीचर को भी नहीं पता कि कब होगी छुट्टियां, अल्लाह जाने। और फिर वो भी बात आ गई कि गवर्नमेंट जो है वो फिर और छुट्टियां भी दे सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट एक गवर्नमेंट एक स्कूल है। आज से सब ये कहेंगे गवर्नमेंट एक स्कूल है, गवर्नमेंट एक स्कूल है। छुट्टियों का इतना शौक है तहरीम को, इतना ज्यादा। डोंट जोक एनीवन एनीवन। अच्छा, तहरीम को छुट्टियों का इतना इतना ज्यादा शौक है, वो कहती है बस कोई भी ऐसी बात हो और छुट्टियां हो जाए, तो इसलिए उसने गवर्नमेंट को स्कूल ही समझा। जी जी बोलो गाइस, ये देखिए, ओ अवेंजर में जो आते हैं ना थानोस पहनता अपने हाथ में गॉन्ग्लेट, गॉन्ग्लेट जिसमें सारे इन्फिनिटी स्टोन होते हैं वो। और क्या कहोगे अपने व्यूअर्स को? और मैं कहूंगा आई लव यू, आपको ऐसे ही प्यार दिखे, 1K लाइक हो जाए और 1K 1 मिलियन के भी हो जाए, ऐसा प्यार दिखाते रहो भाई, बहुत खुश होता हूं मैं। चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर, ब्लैक एंड ब्लू दबाए, तब तक के लिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में। हां, व्लॉग अभी शुरू हुआ है, खत्म, आपने पहले ही खत्म कर दिया व्लॉग, अभी स्टार्ट किया था जब आप ट्यूशन से आए थे। अरे बताया ही नहीं मुझे, अब बता दिया ना मैंने आपको, स्कूल है। और साथ ही गाइस, अयान का, अयान का गवर्नमेंट से, स्कूल की दीवारों से और छुट्टियों से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना क्योंकि अयान की ऑल टाइम छुट्टियां छुटियां हैं। ये देखे मीसना बच्चा कैमरे की तरफ भी देख रहा है, अयान फुल सर्दियों को एंजॉय कर रहा है अपनी नानों के साथ लेकर। लेटे रहो, आपने कुछ बोलना था आगे कैमरे में, बोलना था, झूठ उठ के आ रहे हो। अयान को कोई लेना देना नहीं, गवर्नमेंट छुट्टियां देती है दे, गवर्नमेंट छुट्टियां नहीं देती ना दे, खाने से मतलब है। अयान के सिर्फ दो ही शौक है, आराम से ब्लैंकेट में सर्दियों में आराम करना, आराम करना और खाना,
बस, और वो भी टाइम से, बिल्कुल एक टाइम होना चाहिए। अगर टाइम बिल्कुल आगे पीछे हो गया तो फिर अयान ने वो खाना नहीं नहीं खाना है। अयान बिल्कुल ऐसा ही है, बताओ राइस को बताओ अयान, बोलो अयान भी खाना टाइम से मांगता है। बहुत बहुत सर्दी है, हम अपने अयान को तो कहीं भी नहीं लेकर जा रहे, कहीं भी बाहर नहीं। हाँ, अगर थोड़ी सी धूप वगैरह निकलती है तो ये कि हम लोग छत पर चले जाते हैं अयान को लेकर, जिसमें अयान वॉक भी कर लेता है। अयान के लिए बहुत ज़्यादा सर्दी भी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये मेरा बच्चा बहुत बहुत ही ज़्यादा नाजुक है, और ना ही अयान के लिए बहुत ज़्यादा गर्मी अच्छी है। AC भी अयान के लिए ही है, हीटर भी अयान के लिए ही है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। मतलब जो सब चीज़ें ये इसके लिए हैं, बस इसके हिस्से का जो है वो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। झुंगे में किस में हम लोग? झुंगे में हाँ, और अम्मी को भी बहुत ठंड लग रही है। डबल डबल चादर डबल डबल स्वेटर, एक मैं हूँ, मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है। झूठ तो बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा। वाकई लाहौर की जो ठंड है इन दिनों देखने वाली है। एक तो ये भी है कि इंजॉय करने वाली भी है, सेकंड ये कि जो बुजुर्ग हैं और जो मरीज हैं और जो बहुत ज्यादा छोटे बच्चे हैं, उनको तो जाहिर है इस ठंड से बचना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा ठंड अगर लग जाए तो निमोनिया हो सकता है, चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। और अयान को तो पैदाइश से ही जो है वो चेस्ट का प्रॉब्लम था, तो इसलिए हम अयान को बहुत ज्यादा ठंड से बचाते हैं। अल्लाह का शुक्र है, ऐसा कुछ भी नहीं, शुक्र है, शुक्र अल्लाह का। अभी अयान माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है, ये देखे ना कैसे मजे से लेटा हुआ मेरे पास, नानो के पास, नानो का बेटा बन के सो रहा है बस पास। जब 8 बजेंगे तो खाना चाहिए, ये देखें अभी तो सोच रहे हैं खाने में क्या है आज। खाने में क्या है आज? खाने में है गाइस, आज अम्मी ने बनाया है शलजम गोश्त, खाने में ये है। और क्या है खाने में? चावल है। चावल तो लाजमी है, चाहे सर्दी हो या ना हो, गर्मी हो, चावल तो है। यस, जिनको नहीं पसंद चावल वो रोटी खाएंगे, जैसे स्पेशली अयान जो कि बिल्कुल भी नहीं खाता चावल वो रोटी खाएगा और चावल हम खाएंगे। हाँ अयान बोलो ना, थोड़ा सा कुछ बोलोगे नहीं गाइस को? नहीं बोलना अयान ने कुछ? अपने चैनल के लिए नहीं बोलना कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें बानी खान व्लॉग्स। बोलो बोलो अयान, बोलो वड़े मुंह वाला अयान, वड़े मुंह वाला अयान। आप लोग सब दुआ करेंगे अयान बोलने लग जाए। आमीन। बुरहान क्या खा रहे हो? मैं दाल का पराठा खा रहा हूँ, बहुत अच्छे दाल का पराठा। और अगर आपको घर में, अगर आपके घर में सालन खत्म ना हो रहा हो, तो इसका एक सबसे अच्छा तरीका जो है सालन को खत्म करने का, वो ये है कि बच्चों को पराठा बना कर देते हैं। और मेरे बच्चे तो इतने शौक से खाते, इतने शौक से खाते हैं, जैसे मेथी आलू हो गया, या फिर गोभी आलू हो गया, यस, या फिर गोभी आलू का सालन हो गया, मेथी आलू का सालन हो गया। अगर वो खत्म नहीं हो रहा तो मैं लाजमी बच्चों को आलू का पराठा उसका बना कर देती हूँ, और उसमें मेयोनीज और केचप भी है। हाँ, प्लस ये कि केचप और मेयोनीज लाजमी होना चाहिए, तभी बच्चे खाते हैं। तो बुरहान यहाँ पर खाना खा रहा है और वही पराठा, हालांकि हमने बनाया था आज शलजम गोश्त, लेकिन शलजम गोश्त जो है वो बच्चों ने नहीं खाया, बच्चों ने खाया है। मेरी आईज जो है वो इतनी स्वेल हो रही है, ग्लासेस की वजह से हो रही है, पता नहीं किस वजह से हो रही है। हाँ, तो जी शलजम गोश्त बच्चों ने नहीं खाया, बच्चों ने खाया है दाल का पराठा, और वो जो दाल थी वो थी चने की दाल, चने की दाल का पराठा बच्चों ने खाया है।